ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੈਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ कैप्टन बादलों नूं अपने राज च खुले गफे दे रहे ने। दस दईए कि पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड मंडल बादल वल्लों जारी आरटीआई तहत एक सूचना विच खुलासा किया गया है कि सूबे का सब तो अमीर बादल परिवार भी ट्यूबवैल मोटर ते पंजाब सरकार तो सबसिडी लै रहा है ते सरकार वल्लों इस परिवार नूं 1,11,276 रुपए की सबसिडी जारी की गई है। सूचना मुताबिक बादल परिवार कोल 3 मोटर कनैक्शन ने जिन्हां च सुखबीर सिंह बादल पुत्र प्रकाश सिंह बादल सुरिंदर कौर बादल पत्नी प्रकाश सिंह बादल पुत्र रघुराज सिंह ते चल रहा है। इन्हां कनैक्शनां ते कारपोरेशन वल्लों सबसिडी दित्ती जा रही है। सूचना मंगण वाले फरीदकोट जिले के पिंड कोट सुखियां दे वसनीक गुरतेज सिंह फौजी ने मार्च महीने कारपोरेशन तो वेरवा मंगिया सी। इस मौके गुरतेज सिंह फौजी ने कहा कि उन्हां वल्लों बादल परिवार की ट्यूबवैल कनैक्शन की जानकारी लई आरटीआई पाई गई सी पर कोई जवाब नहीं आया अते उस वल्लों अपील की अते उस विच जवाब आया कि बादल परिवार के 3 ट्यूबवैल कनैक्शन ने अते करीब 11 लाख की सबसिडी दी गई है जो हैरान करने वाली गल है। सर मैं आरटीआई ने 2018 च पाई सी प्रकाश सिंह बादल के परिवार के मैं मोटर की जानकारी लैनी चाहता जी सबसिडी मिल रही नहीं मिल रही उदो बाद मैनू ना पटियाले पाई से मैंने कोई जवाब नहीं दिता सर उन्होंने होर जिले तो मैं चिट्ठिया आई हैं कोई पैली नहीं कोई नहीं मौसर ने तो मैंने जवाब नहीं दिता उदो बाद हार के मैं 30/3/19 ना दमारा मैं डीसी मौसर को पाई आरटीए को मैं सर मैंने बादल पिंड बादल के परिवार के लाते कि मोटर सबसिडी लै रहा कि नहीं लै रहा मैनू यदा कोई जवाब नहीं सर आया मैं 2 महीने डेकिया दो एक महीने एक महीना 5 दिन डेकिया उदू बाद मैं कमिश्नर से अपील पा दी इन्होंने खिलाफ जो अपील पाने बाद वोटा लंघन तो बाद 22 शाम मैं फोन आया बादल पिंड तो जे चाहो तो मैं थोड़ा नंबर भी लिखा दूंगा मेरे को है तुम दे दूंगा नंबर भी एंक के फौजी साहब तू आरटीआई मंगी सी अभी बादल साहब की जानकारी तेन भेजती है तेन रजिस्ट्री कल परसों मिल जूगी उस शाम 23 तरीक मैं डाकिया दे के आ गए वो मैं की देखा कि ये प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल का लड़का तो वो घरवाली जी की मौत हो चुकी है घट्टो घट 10 साल हो गया वो ना तो सबसिडी लै रहे मैनू तो इतों डाउट पैंदा ये तो पल्ले झाड़िया ना सबसिडी भी गलत आ लिखी आ 1,11,276 रुपये आई दसो भी 3 मोटर तो इन्नी बन सकती है जो तक मेरा डाउट आ तो डाउट तो मेरा वैसे ही पै गया कि जो जमीन यदि इन्नी आ तो मोटर 3 आ ये किवें इन्नी जमीन से 3 मोटर ना पालता है बाकी कोई भी बंदा राशन लेंदा पेंशन लगती गलत वो फट वो परचे दर्ज कर देंगे भी ये मरे का राशन लग जाता यू 10 साल हो गए मरीज ये तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती हूँ मैं तो यही बेनती करदा पहली गल तो एक राजा है राजे का काम होता परचे का रक्षा करना राजा होकर खुद ही सबसिडियां लै रहा पेंशन आ रहा तो गरीबों का यही फायदा कर लू लोग पढ़े लिखे तुरे फिरते मैं तो 7 पढ़े हाँ फौज पेंशन 17 साल 11 दिन की फौज मैं मैनू इन्ना ज्ञान आया पाया भी लोग पता नहीं क्यों चक्कर पे आ भी ये कमां छड्डो पढ़े लिखे नाम कर लो इन्होंने लोगों के भी ये 5,26,000 पेंशन लै रहा थोड़ा की भला कर दूगा अगर यदि पेंशन यही डिवाइड की गरीबों ने घर 106 घर पलते जो वाड़ ही खेत में खाने लग पे खेत कामयाब नहीं होना मैं तो हुण सरकार अगे कि मैं तो हाई कोर्ट तक जाऊँगा ये परचा दर्ज होना चाहिए बादल से और सुखबीर बादल से जब गरीब के परचा फट कर देंगे दर्ज उदू बाद जो मैं आरटीआई मिली मैं विपन चंद्र कौशला फरीदकोट कचहरी वो गया उन्हें जो चिट्ठी वेखी उन्हें फेसबुक पर पा दी 4 बजे फेसबुक पर जाते सर उस 9 बजे मेरे घर रेड पैंती है 3 पुलिस मुलाजम आते 3 दूजे आ मैं अपना भोला साहब के घर बैठा जी ये ना बैठा मेरे साढ़े कोई मीटिंग चली जाती वोटों पिछे ही वो को बैठा जी मैंने फोन आया किसी बंद फौजी तेरे घर रेड पै गई है बिजली वाले की तो मैं उन्होंने मेरे घर वाली भाई रात को 9 बजे तुम लैन की आए हैं कोई टाइम होंगे यही कि चोरी करते फिरते हैं या ठगियां मारते हैं पोस्ट बेचते हैं वो कहना बीबी सानू ये अभी चैकिंग करना है पिंडों वो नहीं कि पिंडों पिछे चैक की तुम हूँ तक सू दसो तो फिर उदो जो मैं फोन लाया उन्होंने मैं कहा देखो जी गलत गल है मैं कहा इस टाइम रात को 9 बजे आने का मतलब कोई नहीं मैं क्या फिर मैंने सुबह फोन आया वही अफसर का
मैंने फौजी साहब तेन मैं जानता मैंने फोन आया चेयरमैन का पटियालों असी तेरे घर रेड मारी आ मैं थोड़ू मेरे घरों कुछ मिले कहते नहीं इन्होंने इतों तक किया जी मैं तो हमें आना भी कलू मेरे तो झूठा प्रचार दर्ज करे प्रैक्टिकल इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए आ अगर ना कार्रवाई हुई तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊँगा जिन्हें योगा हैगा मैं तो मैं 28,000 पेंशन मिलती मैं वो तो सबर करदा इन्हें महाराज ने कृपा की मेरे से मैं लोगों को यही है ना बच के रहो इन्हों तो। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।